भाई रोड की तामीर बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक अरसा दराज गुजर गया, यहाँ पर रोड का कोई काम ही नहीं हुआ है। आप देखें यहाँ कालाबोर्ड से सऊदाबाद तक आप जाएं और आएं, आपको अंदाजा होगा कि कितना रोड खराब है। ये बड़े लोग यहाँ पर आते नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि है क्या यहाँ पर मामला। सऊदाबाद से खोखराबाद उन्होंने बना दिया, लेकिन सऊदाबाद से और कालाबोर्ड तक का रोड बिल्कुल बर्बाद हुआ है। टंकी आप जाएं, गाड़ी गुजर नहीं सकती वहां से, लोग परेशान है अपने मामला से। तो लिहाजा बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, अगर नजरसानी करें इस बात पे कि रोड जो है ना वो सही होना चाहिए। हाँ, सेवरेज भी बर्बाद हुई है ना, सेवरेज बर्बाद है, पानी की लाइनें टूटी हुई है, तो रोड तो ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। पहले ये चीजें सही हो गई, उसके बाद ही रोड बनेगा। यहाँ के एमपी ए है, एमएनएस है, तो ये क्या काम सर अंजाम? आज तक तो देखा नहीं यहाँ पे एमपी एमएनए को, अगर नजर आएंगे तो उनसे बात करी जाएगी भाई, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। नजर तो नहीं आया हमें आज तक, वोट देने के बाद से आज तक 4 साल तो हो चुके। कितना अर्सा हो गया ये रोड डैमेज तकरीबन? ये तो भाई ये बारिश के बाद से बर्बाद ये रोड हुआ है, और ये लाइनें खुली हैं उसके बाद से बर्बाद ही है रोड ये पूरा। बहुत टाइम हो चुका है इस बात को, तो 1 साल के करीब हो गया। कराची का मसले का हल किसके पास है? अल्लाह के पास ही हो सकता है, क्योंकि हुक्मरानों के पास तो है नहीं। अगर हुक्मरानों के पास होता तो आज ये हाल नहीं होता कराची का, जो आज हो चुका है। सबसे ज्यादा पैसा देने वाला यही इलाका है कराची है, और यही बर्बाद है। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी जो कराची के मसले को हल निकाल सकती है? मुखलिस लोग चाहिए, मुखलिस लोग मिलेंगे तो होगा, मुखलिस है ही नहीं तो। आपकी नज़र में जमात इस्लामी हकूक कराची पर बात कर रही है, आपका क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी एक जमात तो जरूर है वो, और वो कर भी सकती है, लेकिन उनको लोग लाइक ही नहीं करते। क्यों नहीं करते ये अल्लाह को पता है, क्या वजूहत हैं। जमात इस्लामी हल निकाल सकती है? बिल्कुल कर सकती है ये काम, वो मुखलिस हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको आज तक मौका ही नहीं मिला। एक दफा उनको मौका मिला था, थोड़ा बहुत उन्होंने काम कर ही दिखाया था। इस दफा सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी को, वोट देंगे? या जमात इस्लामी को मैंने आज तक वोट नहीं दिया, तो मैं आपसे अब कैसे वादा कर लूंगी मैं वोट दूंगा उसको। हाँ, अगर ये जो इलेक्शन ये बाहर है, अगर ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो शायद मैं जरूर वोट उनको दे दूँ, ऐसा मुमकिन है। क्यों, किसी को तो देना है ना हमने, अच्छा किसी अच्छे इंसान को देंगे यार, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करे कि वो लोग काम करें, हम तो चाहते हैं कि भाई वो आए काम करें। हक दो कराची को, बदलो कराची।